एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एसके। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या है। ठीक, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या है और एग्रीगेट डिमांड और सर्कुलर फ्लो में क्या कनेक्शन है उसको हम समझे। ठीक, इसके ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के अन अकेडमी पर जो मैंने वीडियो बनाए हैं उसको आप जाके क्लिक करें। ठीक, बाकी आप यहाँ समझ सकते हैं। खैर, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल यदि आपको करो बनाना है तो बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी के साथ समझ सकते हैं आप इसको। कैसे? देखिए भाई, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये है कि जब हम पढ़ते हैं शुरुआत में सर्कुलर फ्लो के बारे में, यानी कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दो सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, और हाउस होल्ड जितना भी हाउस होल्ड खर्च करता है या जितना भी टोटल एक इकोनॉमी में जो खर्च हो रहा है उस खर्च को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक, अब इसमें हमने देखा कि खर्च में सिर्फ हमें हाउस होल्ड नहीं, जितने भी बाकी जो सेक्टर हैं, गवर्नमेंट भी सेक्टर है, बाकी जितना भी टोटल खर्च जो हो रहा है टोटल खर्च को हम प्लस कर लेते हैं तो आ जाता है एग्रीगेट डिमांड। अब यहां हमें समझना है कि हमें इसका शेड्यूल बनाना है, तो शेड्यूल बनाने के लिए आप देखें कि कोई सा भी खर्च हुआ तो खर्च की दो ही मेन कैटेगरी है। अब खर्च की दो मेन कैटेगरी कौन सी है? खर्च की दो मेन कैटेगरी ये है कि एक बात तो ये हुई कि हो सकता है कि आप जो है ब्रेड और बटर खरीदें। अब यदि आप ब्रेड और बटर खरीद रहे हैं, इट मीन्स आप कौन सा खर्च कर रहे हैं? कंजम्पशन वाला खर्च कर रहे हैं, राइट? ये मैं पैन खरीद रहा हूं तो ये पैन जो है वो कंजम्पशन वाला खर्चा है, लेकिन आप जो है कोई मशीनरी भी खरीद सकते हैं, आप जो है कोई बड़ा वाहन भी खरीद सकते हैं आपके किसी बिजनेस के लिए, तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलेंगे? ऐसे खर्चों को हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, राइट? तो खर्च दो ही टाइप के हो सकते हैं मेनली, एक तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो सकता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड इट मीन्स टोटल एक्सपेंसेस, और टोटल एक्सपेंसेस को हम मेनली दो एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, और वो दो एरिया कौन से हैं? वो दो एरिया हैं, एक हो सकता है कंजप्शन, दूसरा हो सकता है इन्वेस्टमेंट। एक हो सकता है कंजप्शन, दूसरा हो सकता है इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो दो ही टाइप के खर्च रहेंगे, राइट? हम जिस जो हमारा सिलेबस है क्लास 12th के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, तो हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हमें फिलहाल ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारा अप टू द सिलेबस हम यदि बात करें तो हमारे पास कंजप्शन के सॉरी एक्सपेंसेस के जो है दो टाइप है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, राइट? इसको यदि हम ओपन क्लोज्ड इकोनॉमी में यदि पढ़ेंगे तो थोड़े और भी टाइप बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ पढ़ना कि जो है वो ओपन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ओपन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट ये दो टाइप के हम जो है खर्च हमें लेना है। अब इन दोनों टाइप के खर्च को हम जोड़ देंगे, इन दोनों टाइप के खर्च को यदि हम प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एग्रीगेट डिमांड। हमें क्या मिल जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। ठीक, अब मुझे एक बात ये बताओ कि आप जो खर्च करते हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? आपकी जेब में जितना पैसा होगा, उस अकॉर्डिंग ही तो आप खर्च करेंगे ना। आपके पास पैसे जब ज्यादा होते हैं तब आप खर्च भी ज्यादा करेंगे, और जब आपकी जेब में पैसे कम हैं तो आप खर्च करने की इच्छा भी आपकी कम रहेगी, राइट? तो मैं एक शेड्यूल बना लेता हूं जिसमें मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरी इनकम में जीरो से शुरुआत कर लेता हूं, राइट? हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझना है इसलिए। तो हम एक शेड्यूल बनाते हैं जिसमें मैं मान लेता हूं कि जो मेरी इनकम है मान लो जीरो होगी तो मेरी कंज्यूम करने की एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या होगा। मान लेता हूं मेरी इनकम बढ़ते जा रही है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस टाइप से मैंने एक शेड्यूल बनाया है, 70 तक जो है मैंने इनकम लिख ली। मुझे एक बात बताओ कि यदि आपकी इनकम जीरो है, कुछ नहीं कमा रहे हैं, तब भी खर्च होगा या नहीं होगा? तब भी खर्च होगा। आपकी इनकम भले जीरो हो लेकिन आपका खर्च जीरो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि आप मान लीजिए दो महीने के लिए घर पे बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है साहब, तो क्या खाना नहीं खाएंगे? भाई खाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। कपड़े नहीं पहनेंगे, तो इनकम हो ना हो लेकिन खर्च जरूर होता है ना? तो जीरो लेवल आप इनकम पर भी खर्च जरूर रहेगा, जिसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोल सकते हैं। ऑटोनोमस जो भी चीजें खुद ब खुद होती है उसको ऑटोनोमस बोला जाता है,
जो रहेगी रहेगी इकोनॉमी में। यहां पर हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मान लेते हैं, कि हर लेवल पर एक जैसा रहेगा। जैसे इसको मैं सिंपल ऐसा समझ ले कि जैसे आप आपकी इनकम बढ़ रही तो आप बाकी खर्चे तो बढ़ाते हो राइट, या कभी कभार थोड़ी इनकम कम होगी तो बाकी खर्चे आप जो है कम भी कर लेते हो। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जैसे कि जो आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, तो इंश्योरेंस प्लान की जो किस्त आएगी वो तो एक जैसी आएगी राइट। तो जो एक मिनिमम लेवल आप इन्वेस्टमेंट है वो जो है हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। जिस तरीके से मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन है वो कॉन्स्टेंट रहता है, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी कॉन्स्टेंट ही रहता है राइट है। और फिलहाल यह हमें अज्यूम भी करना है ठीक है, आगे और ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर और टाइप के हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट, वो अलग बात है। फिलहाल हमें यह अज्यूम करना है कि जो है इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट है। तो से फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि इन्वेस्टमेंट जो है 5 रुपीज का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हर लेवल पे भले हमारी इनकम ज्यादा हो रही है और कम हो रही है, हम 5 रुपए ही इन्वेस्टमेंट करने वाले। तो जब 0 रुपीज इनकम है तब मेरे टोटल खर्च कितने हो गए 10 और 5 50 रुपीज ठीक है। अब मैं ये मान रहा हूं कि मेरी जैसे ही मेरी इनकम बढ़ती है, जैसे ही मेरी इनकम बढ़ती है मैं उसका लगभग 50% जो है खर्च करने लग जाता हूं। मान लीजिए मेरी इनकम 10,000 रुपए थी, तब तक तो चलो ठीक कुछ खर्च हो रहा होगा। जैसे ही मेरी इनकम जो है 20,000 रुपए हो गई, 20,000 रुपए हो गई तो मैं 5,000 रुपए बचा लेता हूं, लेकिन 5,000 रुपए खर्च जरूर करता हूं। यानी कि ऑन एन एवरेज जितनी मेरी इनकम बढ़ती है उसका लगभग लगभग मैं 50% जो है वो खर्च कर लेता हूं। तो मेरी इनकम बढ़ी 10 रुपीज, तो मैंने मेरा जो खर्च जो है वो बढ़ा दिया 10 रुपीज खर्च, 10 रुपीज जो है मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने उसमें से 5 रुपए मैंने खर्च करना स्टार्ट कर दिया। भाई 10 तो मैं पहले ही खर्च कर रहा था, 5 अभी एक्स्ट्रा खर्च किया तो टोटल खर्च कितना हो गया, तो अभी खर्च कितना हुआ 15 राइट, 15 प्लस 5 ये कितना हो गया 20। फिर मेरी इनकम कितनी बढ़ी है, फिर मेरी इनकम बढ़ी 10 की, फिर मैंने 5 रुपए और ज्यादा खर्च करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे जो है अब मैंने खर्च किया है 20 रुपीज का, 20 और 5 कितना हो गया 25। फिर मेरी इनकम बढ़ी 10 रुपीज की, फिर मैंने मेरा खर्च बढ़ा लिया 25 हो गया, 25 और 5 ये हो गया 30। फिर 10 रुपीज बढ़े, फिर मैंने 5 रुपए मेरी इनकम के बढ़ा लिए, तो ये जो हो गया आपका 30 और 5 जो हो गया 35। फिर मेरी जो इनकम बढ़ी, फिर मैंने 5 रुपए बढ़ा लिए, तो मेरा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया 35 और 5 हो गया 14। फिर मेरी इनकम बढ़ी, फिर मैंने खर्च बढ़ा लिया तो ये हो गया 45। फिर मेरी इनकम बढ़ी, फिर मैंने खर्च बढ़ा लिया, इस तरीके से जो है। अब इस शेड्यूल को, ये जो शेड्यूल दिया हुआ है इसको यदि आप एक ग्राफ पर प्लॉट कर लें, तो आज आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आपको एक जो है कर्व मिल जाएगा जिसको हम एग्रीगेट डिमांड कर्व बोलेंगे। इसको ड्रॉ करना बड़ा आसान, आपने ये एक्स एक्सिस पर जो है इनकम को ले लिया, क्योंकि इनकम जो है एक्स एक्सिस पर आपने इनकम को ले लिया क्योंकि इनकम यहाँ पर बेस है ठीक, और बाकी चीजों का आप इस पर डिपेंडेंट कर रहे हैं। सबसे पहले डिपेंड कर देते हैं इन्वेस्टमेंट को, और वैसी बात है मान लीजिए आपने नंबर लिखा तो सबसे पहली लाइन जो बनेगी वो 5 की बनेगी, तो ये बिल्कुल एक कॉन्स्टेंट लाइन बन जाएगी, ये होगी इन्वेस्टमेंट की लाइन ठीक। फिर आपने कंजम्पशन की लाइन बनाई, तो इससे 5 यहां पर ज्यादा है, फिर 10 ज्यादा है, फिर जो है 15 ज्यादा है, यानी 5-5 से बढ़ती जा रही है। यानी आप एक कर्व बनाएं तो कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल अपवर्ड साइड में कर्व बनेगा। तो ये हो गया कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को यदि आप प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। और ऑब्वियस सी बात है एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन में फर्क क्या है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का फर्क है, यानी कि एक जो इसमें सिर्फ 5-5 रुपीज का ही डिफरेंस है। तो आप एक कर्व यहां बना देंगे, इसके पास में इसके पैरेलल एक कर्व बना देंगे जिसमें कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट हो, तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाएगा ठीक। तो आप इसको इस तरीके से ग्राफ पर प्लॉट कर दें,
एक ऐसा शेड्यूल बना दिया। ठीक, ये शेड्यूल में आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनकम और कंजम्पशन या इनकम और एग्रीगेट डिमांड का क्या कनेक्शन है। ठीक है, और ये ग्राफ के थ्रू उसी बात को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल कैसे बनाते हैं, ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन के बारे में और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।